नमस्ते फ्रेंड, आप सभी को मेरे चैनल में फिर एक बार फिर से स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं फिर एक नई रेसिपी लेके आई हूँ करेले की। आज मैं भुजिया बनाऊंगी। तो पहले करेले को दोस्त धुल लेना है, तो मैं ऑलरेडी धुल के रेडी हूँ। तो अब मैं इसका पीस बनाऊंगी। देख सकते हैं भुजिया के लिए पीस बनानी जरूरी है। देख सकते हैं इसी तरह का पीस बना के रख लेनी है। देख सकते हैं मैं इस तरह से पीस बना रही हूँ गोल गोल आकार में। ऐसे गोल गोल आकार में देखने से थोड़ा सोफियाना लगता है। वैसे तो मैं ऐसे बीच से कट करके भी बना सकती हूँ, तो आप बना सकते हैं बीच से कट करके भी, लेकिन ये गोल गोल बनाने से थोड़ा दिखने में सोफियाना लग रहा है, इसलिए मैं गोल गोल आकार में बना रही हूँ। देख सकते हैं किस तरह के भुजिए बना रही हूँ मैं। तो देख सकते हैं दोस्त, मैंने बहुत सारे करेले को काट के रख दी हूँ पीस बना ली छोटे छोटे गोल गोल। और इधर मैं टमाटर का पीस छोटा छोटा बना ली हूँ, और इधर प्याज लंबे लंबे काट के मोटे मोटे थोड़े काट के रख ली हूँ। और ये लहसुन का पेस्ट है, लहसुन अदरक। और इधर ये मैं फोड़न के लिए लिए हैं, जो तड़के लगाना है तो इसके लिए मैं लिए हैं सरसों और जीरे साबुत और एक इलायची पेस्ट बना के। तो देख सकते हैं दोस्त, मैंने गैस जला के इसलिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। और मैं इसमें डालूंगी सरसों ऑयल। सरसों ऑयल सब करेले की भुजिया बनाने में सरसों ऑयल डालने से बहुत ही टेस्टी बनता है। ये दोस्तों करेले सरसों के ही तेल में करेले की भुजिया बनाए तो बहुत ही टेस्ट आता है इसका। तो मैंने इसमें थोड़ा हल्का धुआं आने देती हूँ ऑयल में, उसके बाद मैं डालूंगी। तो देख सकते हैं आप सब, इसमें हल्का धुआं आ चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी करेली। करेले डालूंगी एक थोड़ी सी हल्दी, सॉरी थोड़ी सी हल्दी। देख सकते हैं दोस्त, मैं इसमें डाल दी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी आधी चम्मच नमक, अपना कमीरी के हिसाब से नमक और हल्दी डालें। और अभी थोड़ी सी डालती हूँ, बाद में और डाल देंगे। और अभी इसलिए मैं हल्दी और नमक डाल रही हूँ, करेले में थोड़ी तीखापन होती है और वो मिल जाए, ताकि बच्चे भी बड़ों के साथ खा सकें करेले। तो आप हल्दी और नमक अगर फ्राई करते समय थोड़ी सी डाल देंगे तो उसका थोड़ा तीखापन निकल जाता है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक ढक दूंगी। तो दोस्त मैं इसको रखना को, अब मैं देख सकते हैं इसको थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे क्योंकि ये गले में इसमें अभी कुछ नहीं दिए हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम पे चलाना चाहिए। अभी मैं फिर से इसको ढक रही हूँ चलाने के लिए। देख सकते हैं आप लोग, तो हो गया है ये फ्राई। अब मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ थाली में। देख सकते हैं मैं निकाल रही हूँ इसको इसमें थाली में। देखो अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, सरसों ऑयल ही डाले करेले के भुजिए में। तो मैं इसमें डालूंगी अब जीरे, और ये रखे रखे मैंने सरसों, ये इलायची चॉप की हुई है इलायची, देख सकते हैं। तो मैंने इसमें दो लाल मिर्च भी डाल दी। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप लोग अगर ज़्यादा बना दिया हो लहसुन अदरक पेस्ट तो आप रख सकते हैं दूसरे सब्जी में यूज कर सकते हैं उसका। तो मैं भी थोड़ा ज़्यादा बना दी तो मैं रख दी इसमें, क्योंकि थोड़ा ही डालना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो मैं इसमें आप डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, इससे
अब मैं थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैं करेले में नमक पहले डाल चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा सा, और प्याज में पहले क्यों नहीं डाले नमक, ये भी आप बोल सकते हैं, तो मैं इसलिए नहीं डाली प्याज में नमक और हल्दी, क्योंकि मैं अभी लहसुन और अदरक के साथ थोड़ा मैं पानी डाल दी, अब मैं इसमें डाल दी नमक और हल्दी, तो थोड़ा अच्छा से मिल गया इसमें। किया हुआ करेली तो देख सकते हैं लोग, अभी से ही बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजेदार करेली। थोड़ा और मैं इसको 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक रही हूँ, 2 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ। तो चल के देखते हैं दोस्त, ये भुजिया बन के रेडी है या नहीं। 2 मिनट हो चुका है, 2 मिनट के लिए मैंने ढक दी थी, देख सकते हैं मेरा भुजिया बनके रेडी है। तो मैं इसमें लास्ट मसाला है वो है थोड़ा सा गरम मसाला मैं इसमें डाल दूंगी। तो देख सकते हैं दोस्त, मैं थोड़ी सी गरम मसाला डाल दी, हल्की बिल्कुल थोड़ी, मैं इसमें दोबारा से हाथ में से चला लूंगी और उसको निकाल लूंगी। अब देख सकते हैं मैं निकाल रही हूँ इसको, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी फुल, बहुत स्वादिष्ट भुजिया बन के रेडी है। तो देख सकते हैं दोस्त कितना अच्छा भुजिया है, बहुत ही स्वादिष्ट, देख के लगता है लजीज, बहुत ही टेस्टी है ये मसालेदार भुजिया, बहुत ही 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है अगर कट करके पहले रख दी तो। तो मेरे अगर ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल में कमेंट कर सकते हैं, और ना ही नहीं पसंद आए तो भी बताएं, और अगर आप सबके पास कोई रेसिपी है तो वो भी बता दें, तो इस तरह से बनाना चाहिए, मैं भी उस तरह से बना के फिर से डालूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, फॉलो बढ़ाइए। आप लोग से मैं इतना ही उम्मीद करती हूँ, मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, बाय।